नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने बीडीओ स्वारघाट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीडीओ पंचायतों में जाकर प्रधानों को डरा धमका रहे हैं और रेत, बजरी, पत्थर, मिक्सचर, शटरिंग आदि के टेंडर चहेतों को स्वयं मौके पर जारी कर रहे हैं। यही नहीं, इस कार्य के लिए बीडीओ कम रेट को अपने आप अधिक कर चहेतों को टेंडर दे रही है। इस संबंध में रामलाल ठाकुर ने ग्राम पंचायत लेहड़ी में वीडियो द्वारा टेंडर पर की गई ओवरराइटिंग कर किसी दूसरे व्यक्ति को करीब 1,000 रुपए अधिक रेत का टेंडर चहेतों को जारी कर दिया है। रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जहां आरोप लगाए, वहीं इस पर दस्तावेज जारी किए जिसमें वीडियो के हस्ताक्षर हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि ग्राम पंचायत लेहड़ी में 7 तारीख को टेंडर ओपन हुए, लेकिन बीडीओ ने सभी टेंडर अपने कब्जे में ले लिए, जिसके बाद उन्होंने 10 तारीख को स्वयं पंचायत पहुंचकर टेंडर जारी कर उस पर अपने हस्ताक्षर किए, जबकि नियमानुसार टेंडर जारी करना पंचायत प्रधान और सचिव का काम है। उन्होंने कहा कि बीडीओ ने अपने चहेतों को काम देने के लिए सुखदेव के, जिसमें 1,950 रुपए रेत की ट्रॉली का टेंडर भरा गया था, अपने पेन से 2,950 कर दिया, जिसके बाद टेंडर मदनलाल को 1,900 रुपए प्रति रेत ट्रॉली पर दे दिया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उक्त वीडियो पूर्व में भी स्वारघाट में वित्तीय अनियमितताओं के चलते चार्जशीट हुई थी, लेकिन उसके बाद अब फिर से स्वारघाट में वीडियो लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त वीडियो अब सेवानिवृत्त होने वाली है, लेकिन वह सेवा विस्तार चाह रही है, जिसको लेकर वे भाजपा के नेताओं को खुश करने के लिए भाजपा संबंधित ठेकेदारों को काम देने के लिए हर पंचायत में स्वयं पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो भाजपा भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करती है, लेकिन ऐसे में अधिकारियों की नियुक्ति से साफ है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोर्ट के माध्यम से उक्त अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहल क्षेत्र की चिकनी खड्ड में गत 1 साल पहले हुई बरसात में बहा हुआ पुल 1 साल बाद बन नहीं सका है, जिस कारण उक्त सड़क पर पड़ने वाली 4 पंचायतों बहल, कौड़ावाला, धरोट की हजारों की आबादी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गत 1 साल पहले नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न इलाकों में हुई भयंकर बरसात के कारण उक्त पुल बारिश में बह गया था। तब उस समय लोक निर्माण विभाग ने हालांकि बह चुके उक्त पुल के भीतर मिट्टी व पत्थर भरकर इसे पूरा कर दिया था और इसके बाद वाहन की आवाजाही शुरू कर दी थी। यहाँ के लोग पुल न बनने से काफी मायूस हैं। पुल ना बनने से बरसात के दिनों में कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि दो पहिया वाहन इस टूटे हुए पुल से गुजर रहे हैं, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अब यहां के लोगों ने विभाग और प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही पुल का निर्माण करवाया जाए। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों में जमकर बरसात हो रही है। तेज बरसात से धुंध और ठंडी हवाओं से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है, साथ ही नदी और नालों का उफान भी तेज हो गया है। भूस्खलन का खतरा भी शहर में मंडरा रहा है। जिला बिलासपुर के बिलासपुर शहर स्वारघाट जामली विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में
तेज बरसात का दौर जारी है और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का हाल भी बुरा है। नालों का पानी सड़कों पर बह रहा है। आसमान पर छाए काले बादल दिन में अंधेरा कर देते हैं और इंद्र रूप रौद्र रूप अपनाए हुए हैं।